हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जून सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 लॉन्च किया गया। तो वो कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया, किसने उसको टॉप किया, इंडिया का रैंक उसमें कौन सा है, लास्ट ईयर कौन सा था, अगर हम उसके बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 लॉन्च किया गया है और उसमें इंडिया का रैंक आया है लोएस्ट अमंग द 180 कंट्रीज। मतलब टोटल 180 कंट्री का इवोल्यूशन किया गया है, उसमें इंडिया का रैंक कौन सा आया है, 180th रैंक, मतलब लोएस्ट रैंक आया है इंडिया का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर, राइट। अब ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वो कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया, तो अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स हर साल लॉन्च किया जाता है और इस बार इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 180, विच इज़ एट द बॉटम अमंग्स द अदर कंट्रीज विद अ टोटल स्कोर ऑफ 18.9। इंडिया का रैंक आया है 180 और उसमें इंडिया का स्कोर कितना हुआ है, 18.9, राइट। और ये इंडेक्स को टॉप किसने किया, डेनमार्क के द्वारा। डेनमार्क ने टॉप किया है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। अगर हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान का रैंक आया है 176 आउट ऑफ 180 एंड बांग्लादेश का रैंक आया है 177, राइट। तो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारे से ऊपर है इस इंडेक्स के अंदर, राइट। अभी ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को लॉन्च करने के लिए अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी को कौन फंडिंग करता है, मैकॉल मैकबेन फाउंडेशन ऑफ कैनेडा। मैकॉल मैकबेन फाउंडेशन ऑफ कैनेडा वो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को लॉन्च करने के लिए उसके सर्वे के पीछे जितना भी खर्च होता है उसको फंडिंग कौन करता है, मैकॉल मैकबेन फाउंडेशन ऑफ द कैनेडा, राइट। ये जो इंडिया का जो टोटल 180 कंट्री में से सबसे बॉटम पे आने की वजह क्या है, तो द मार्केटली पुअर एयर क्वालिटी ड्यू टू द अर्बनाइजेशन एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन भी बहुत हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत हो रहा है, तो उसकी वजह से विच इज एमिट्स द डेंजरस लेवल ऑफ द एयर पोल्यूशन विच इन टर्न रिजिज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन हैज टूगेदर ब्रॉट द इंडिया टू द वेरी बॉटम इन द रैंकिंग्स। कि एक तो दो रीज़न है कि इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन भी बहुत हो रहे हैं, लोग गाँव में से शहर में आते जा रहे हैं, राइट। और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज एस्टेब्लिश हो रही है, तो उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है जो वो एकदम पुअर बनती जा रही है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो ये इंडस्ट्रीज़ जो है व्हीकल्स वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है ना वो एकदम पुअर बनती जा रही है। यही एक रीज़न है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इंडिया को सबसे पीछे रखा है, राइट। अगर मैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की बात करूँ तो तब इंडिया का रैंक था 168 और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 की बात करूँ तब इंडिया का रैंक क्या था, 177, बराबर। अभी इंडिया का रैंक ओवरऑल कैटेगरी के अंदर तो 180 आया है, लेकिन अगर मैं जो तीन फैक्टर को इस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को लॉन्च करने के लिए ये दोनों संस्था के द्वारा कंसिडर किया गया है वो तीन प्राइमरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इकोसिस्टम विटालिटी, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोसिस्टम विटालिटी के अंदर इंडिया का रैंक कौन सा है, 178, राइट। अगर मैं हेल्थ के, कोई कंट्री ने हेल्थ के अंदर कैसे पॉलिसीज डिज़ाइन की हैं तो अगर मैं उसके अंदर बात करूं तो इंडिया के अंदर इंडिया का कौन सा रैंक है, 178। और क्लाइमेट पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का रैंक कौन सा है उसके अंदर, 165। तो टोटल तीन प्राइमरी कैटेगरीज को यहाँ पे कंसीडर किया गया है इंडेक्स को लॉन्च करने के लिए, इकोसिस्टम विटालिटी, हेल्थ और क्लाइमेट पॉलिसी। तो इकोसिस्टम विटालिटी के अंदर 178, हेल्थ के अंदर 178 और क्लाइमेट पॉलिसी के अंदर 165, राइट, ओके। और कुछ प्रोजेक्शंस इस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ने किए हैं कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को टॉप किसने किया है, तो डेनमार्क और यूके, फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क है
और सेकंड नंबर पे यूके। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ने प्रोजेक्शन किया है, एक भविष्यवाणी की है कि ये दोनों कंट्री के जिन्होंने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को टॉप किया है 2022 के, तो वो 2050 तक नेट जीरो एमिशन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? नेट जीरो एमिशन 2050 तक, राइट। अभी नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है? जीरो एमिशन मतलब कुछ भी एमिशन नहीं होगा, कुछ भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। क्या कोई भी व्हीकल नहीं दौड़ेगा रास्ते के ऊपर? क्या कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं करेगी 2050 के अंदर डेनमार्क और यूके के अंदर? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। जीरो नेट, यहाँ पे जीरो एमिशन नहीं, वर्ड क्या यूज़ किया गया है? नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन मतलब आप जितना कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करते हो उतनी ही इक्विवेलेंट आपको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब जितना कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करते हो उतनी इक्विवेलेंट आपको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तब जाके नेट जीरो एमिशन होता है। और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के जो ये दो संस्था ने लॉन्च की है, येली यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने प्रोजेक्शन किया है, भविष्यवाणी की है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करने वाले कौन सी दो कंट्री बनेगी? डेनमार्क और यूके। और उसके अलावा और उन्होंने एक और भविष्यवाणी की है कि इंडिया, चाइना और रशिया, ये तीन कंट्री को 2050 के अंदर कौन ज्वाइन करेगा? यूएस। तो ये चार कंट्री के द्वारा 2050 के अंदर जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा उसका 50% कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? ये चार कंट्री, इंडिया, यूएस, चाइना और रशिया, कि 2050 के अंदर जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा उसमें 50% कंट्रीब्यूशन ये चार कंट्री करेगी। तो ये दोनों प्रोजेक्शंस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के दौरान किए गए हैं, आपके एग्जाम पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है, राइट। और डेनमार्क ने एक टारगेट सेट किया है कि वो 2030 तक कार्बन एमिशन 70% कम करेगा। कौन से लेवल के रेफरेंस से? 1990 लेवल के अंदर जितना उसका कार्बन एमिशन था उससे 70% कम करेगा वो 2030 तक। कौन? डेनमार्क, बराबर। तो उसने एक टारगेट सेट किया है। ओके, तो अगर मैं टॉप फाइव कंट्री की बात करूँ ये इंडेक्स में, तो फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क, सेकंड नंबर पे यूके, थर्ड नंबर पे फिनलैंड, फोर्थ नंबर पे माल्टा और फिफ्थ नंबर पे कौन है? स्वीडन। अगर मैं बॉटम फाइव कंट्रीज़ की बात करूँ तो 176 नंबर पे पाकिस्तान, 177 नंबर पे बांग्लादेश, 178 में वियतनाम, 179 में म्यांमार और 180 में इंडिया है, राइट। तो टॉप फाइव बॉटम फाइव आपको याद रखना है। और ये जो दो संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, एक है येली यूनिवर्सिटी, जो उससे प्रेसिडेंट कौन है? पीटर सेलोवे, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू हेवन यूएस के अंदर। और एक है कोलंबिया यूनिवर्सिटी जिसके प्रेसिडेंट है डीसी बोलिंगर, और उसके हेडक्वार्टर कौन है? उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएस के अंदर, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, बराबर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी फ्रेंड्स आरबीआई ने इश्यू किया है एक प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर द स्टैंडर्ड असेट्स फॉर द लार्ज एनबीएफसीज। अभी इस न्यूज़ के अंदर डिटेल की अगर हम बात करें, बराबर ना, कि आरबीआई ने भी इश्यू किया है न्यू प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर द स्टैंडर्ड असेट्स बाय एनबीएफसी अपर लेयर। अभी हेडलाइन पढ़ के आपको ये न्यूज़ को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस न्यूज़ को अगर हम धीरे धीरे समझें स्टेप बाय स्टेप तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल न्यूज़ है और वो आपको समझ रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये एनबीएफसी अपर लेयर की। एनबीएफसी यूएल जो लिखा है ना, उसका यूएल का मतलब है यहाँ पे अपर लेयर। तो वो क्या है? देखो फ्रेंड्स, एनबीएफसी, एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंस प्रोवाइड करता है, इसके लिए उनको एनबीएफसी बोला जाता है, राइट। तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसके उसको आरबीआई ने चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से चार कैटेगरी के अंदर? एनबीएफसी बेस लेयर की, एनबीएफसी मिडल लेयर की, एनबीएफसी अपर लेयर की, जो जो चीज़ की यहाँ पे बात हुई है, एनबीएफसी अपर लेयर और एनबीएफसी टॉप लेयर। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? एनबीएफसी अपर लेयर जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, और फोर्थ कैटेगरी कौन सी है? एनबीएफसी टॉप लेयर, राइट। यस, ये चार कैटेगरी की यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स, बराबर। अभी
मैं सबसे पहले एनबीएफसी बेस लेयर के अंदर कौन कौन सी एनबीएफसी आती है उसकी अगर हम बात करें, तो अगर आपको पता हो तो एनबीएफसी दो टाइप की होती है मेनली, बेसिकली डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के। कुछ कुछ एनबीएफसी कस्टमर का डिपॉजिट भी जमा करवाता है और कुछ कुछ एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं जमा करवाता, डायरेक्टली लोन ही देता है, राइट। तो कुछ एनबीएफसी के अंदर आप डिपॉजिट जमा करवा सकते हो, कुछ एनबीएफसी के अंदर आप डिपॉजिट जमा नहीं करवा सकते हो, तो उसको बोलते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, राइट। तो बेस लेयर के अंदर कौन सी एनबीएफसी आएगी, कि सबसे पहले आएगी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिसका एसेट साइज है बिलो दी 1000 करोड़। एक तो ऐसी एनबीएफसी की जो डिपॉजिट टेक नहीं करती है और जिसकी एसेट साइज है 1000 करोड़ से कम। अभी मुझे बताओ कि कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक है, अगर वो कोई कस्टमर को लोन देता है तो क्या उसने जो कस्टमर को लोन दिया है वो अमाउंट वो अपनी एसेट साइड के ऊपर लिखेगी या कि अपनी लाइबिलिटी साइड के ऊपर लिखेगी? तो लोन की मदद से बैंक को इनकम जनरेट होती है, तो ये इनकम का सोर्स है बैंक का। तो ये जो कोई भी कस्टमर को कोई भी बैंक अगर लोन देती है तो वो लोन का अमाउंट अपनी एसेट साइड के ऊपर लिखती है। तो यहाँ पे जो भी एनबीएफसी के जो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है जिसकी एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है, मतलब उसने लोगों को 1000 करोड़ से कम लोन दे के रखी है, वो एनबीएफसी कौन से लेयर के अंदर आएगी, बेस लेयर के अंदर आएगी। सेकेंड है कि एनबीएफसी की जो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है, एनबीएफसी जो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है, अगर हम उसके बारे में बात करें कि फॉर एग्जांपल दो कंपनी है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। ये कंपनी बी को पैसे की ज़रूरत है, वो लोन लेना चाहता है, लेकिन बैंक्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे पेपर के रिक्वायरमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, राइट। तो ये कंपनी बी क्या प्रीफर करती है कि उसको कोई एक कोई ऑर्गेनाइजेशन या तो फिर कोई दूसरी कंपनी या तो कोई फिर दूसरा कोई पर्सन ये कंपनी को पैसा देना चाहता है, वो कंपनी के कंपनी को लोन देना चाहता है, राइट। तो कंपनी क्या करती है जनरली कि बैंक के अंदर इतना सारा पेपर वर्क, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़, ये सब करने की बजाय कोई वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो लोन दे, यहाँ पे बैंकिंग कंपेरिजन में थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट भी देना पड़े तो फिर भी वो कंपनी अफोर्ड कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ कंप्लायंस नहीं करने होते, राइट। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन ए वो ये कंपनी बी को लोन देना चाहता है लेकिन वो ऑथोराइज नहीं है कि वो लोन दे सके, राइट। तो वो किसकी मदद लेगा, एक एनबीएफसी की। किसकी मदद लेगा, एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्योंकि ये एनबीएफसी ऑथोराइज होती है कि वो फाइनेंस कर सकती है कोई पर्सन को, राइट। तो ये कंपनी ए, ये पहले कंपनी ये एनबीएफसी को पैसा देगा और ये एनबीएफसी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू इस पर्सन को पैसा देगा, इस कंपनी को पैसा देगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये एनबीएफसी एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है ये ऑर्गेनाइजेशन ए को ऑर्गेनाइजेशन बी के अंदर बी को लोन देने के लिए। तो ऐसे एनबीएफसी के जो ये पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करे, तो वो एनबीएफसी कौन से लेयर के अंदर आती है, बेस लेयर के अंदर आती है। समझ में आया? ओके, और बेस लेयर के अगर अगर हम तीसरी कैटेगरी की बात करें तो कौन सी एनबीएफसी बेस लेयर के अंदर आती है, कि जो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर की तरीके से काम करती है। अभी अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब क्या है फ्रेंड्स, पहले जब भी आप कोई भी लोन लेने के लिए जाते थे बैंक के अंदर, कोई एक बैंक है आप उसके अंदर लोन लेने के लिए जा रहे हो, राइट, तो लोन के अप्रूवमेंट में बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका सब डॉक्यूमेंट बराबर होना चाहिए, सब लीगल होने चाहिए, तब जाके आपका लोन अमाउंट सेंक्शन होगा, राइट। तो आरबीआई ने ये बैंक, अभी लोन का अप्रूवमेंट में टाइम क्यों लगता था, क्योंकि बैंक के पास और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है कि जिसको वो उसको टाइम पे कैरी आउट करना होता है। तो क्या है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैंक बहुत टाइम लगा थी, बिकॉज ऑफ कि उसके पास ऑलरेडी बहुत ही बर्डन है। तो
आरबीआई ने क्या बोला कि अभी सभी बैंक को एक एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप कर लेनी है, एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप कर लेनी है। तो क्यों कि जो जितने भी कस्टमर जो ये बैंक के कस्टमर हैं उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कौन करेगा, ये एनबीएफसी जिसने जिसके साथ बैंक ने टाइप किया है। तो यहाँ पे एनबीएफसी वो अकाउंट एग्रीगेटर के तरीके से काम कर रही है कि वो जिस जो बैंक ने उसके साथ टाइप किया है वो बैंक के सभी कस्टमर्स का सभी उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन, उसकी सभी डेटा, उसका सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करेगा, ये एनबीएफसी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे कोई लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आएगा तो बैंक तुरंत अपने उसके जो पेपर वर्क का जो काम है बराबर, तो ये एनबीएफसी को सौंप लेगा। तो एक तो बैंक का बर्डन भी कम हो गया और ये काम एनबीएफसी बैंक के कंपेरिजन में जल्दी से कर सकते हैं क्योंकि उसके पास बैंक के कंपेरिजन में काम थोड़ा सा कम होता है, राइट। तो लोन की प्रोसीजर भी फास्ट हो जाएगी, ओके, और बैंक का बर्डन भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आरबीआई ने एनबीएफसी एज अ अकाउंट एग्रीगेटर के तरीके से काम करे, ऐसी एनबीएफसी को कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा है, बेस लेयर के अंदर रखा है, राइट, ओके। और उसी तरह नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी और एनबीएफसी विच इज नॉट अवेलेबिंग द ओके और एनबीएफसी विच आर नॉट अवेलिंग द पब्लिक फंड्स एंड नॉट हैविंग द एनी कस्टमर इंटरफेस, वो सभी एनबीएफसी कौन से कैटेगरी के अंदर आती है, एनबीएफसी बेस लेयर के अंदर आती है। अगर हम मिडल लेयर की अगर हम बात करें तो सभी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी वो कौन से लेयर के अंदर आती है, मिडल लेयर के अंदर आती है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी की जिसकी एसेट साइज 1000 करोड़ से ज़्यादा है वो भी मिडल लेयर के अंदर आती है। और उसके अलावा कि जो एनबीएफसी कोई पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर पैसा प्रोवाइड करती है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर लोन प्रोवाइड करती है, वो एनबीएफसी कौन से लेयर के अंदर आती है, मिडल लेयर के अंदर। फॉर एग्जांपल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मुझे बताओ कि वो बैंक है कि एनबीएफसी, वो एनबीएफसी है, वो जो जस्ट होम लोन प्रोवाइड करती है। तो ऐसी है एनबीएफसी की जो कोई पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर लोन प्रोवाइड करती है तो वो कौन से लेयर के अंदर आएगी, मिडिल लेयर के अंदर। अभी ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है कि जो जस्ट कोर सेक्टर के अंदर पैसा प्रोवाइड करेगी, अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पैसा चाहिए, अगर कोई स्टील इंडस्ट्री को पैसा चाहिए तो वो ये एनबीएफसी प्रोवाइड करेगी, तो उसको बोलते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। वो कौन से लेयर के अंदर आती है, मिडिल लेयर के अंदर आती है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के जो जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अगर किसी को पैसा चाहिए तो वो ये एनबीएफसी पे पैसा देती है। तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर को पैसा देने के लिए जो एनबीएफसी का यूज़ होता है तो वो एनबीएफसी कौन से लेयर के अंदर आती है, मिडल लेयर के अंदर आती है, राइट। हमारी तीसरी कैटेगरी है एनबीएफसी की, एनबीएफसी अपर लेयर। एनबीएफसी अपर लेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमने जितनी भी एनबीएफसी की बात की उसमें जो टॉप 10 एनबीएफसी होगी अकॉर्डिंग टू द एसेट साइज, अकॉर्डिंग टू द एसेट साइज जो टॉप 10 एनबीएफसी होगी वो एनबीएफसी कौन से लेयर के अंदर आएगी, एनबीएफसी अपर लेयर के अंदर। और एनबीएफसी टॉप लेयर अभी खाली रखा गया है बिकॉज ये जो लेयर है वो आरबीआई के द्वारा लास्ट ईयर ही अनाउंस किए गए हैं। तो यहाँ पे अभी जो टॉप लेयर है वो एनबीएफसी का खाली रखा गया है, मतलब जो अपर लेयर की जो एनबीएफसी है उसके पास अभी भी स्कोप है टॉप लेयर में आने के लिए, उसके पास अभी भी बहुत सारे स्पेस है अपने आप को डेवलप करने के लिए, राइट। तो ये चार कैटेगरी आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये रिसेंट न्यूज़ कौन सी कैटेगरी की है, एनबीएफसी अपर लेयर की, मतलब जो टॉप 10 एनबीएफसी है अकॉर्डिंग टू एसेट साइज उसकी बात चल रही है, ओके। तो ये एनबीएफसी अप यूएल क्या है वो पता चला, ओके। अभी हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप जितनी भी इनकम जनरेट करते हो ना उसमें से कुछ अमाउंट आपको साइड में रखना है फॉर द फ्यूचर हर्डल्स लाइफ में, मतलब कोई भी अनसर्टेन कंडीशन आए तो तब ये वो पैसा आपके काम में आए, तो उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। तो यहाँ पे एनबीएफसी को प्रोविजनिंग करने को बोला है, मतलब कुछ पैसा साइड में रखने को बोला है कि जो फ्यूचर हर्डल्स है उसको कंपेंसेट कर सके, राइट। अभी ये प्रोविजनिंग किसके अगेंस्ट में करना है, स्टैंडर्ड असेट्स के अगेंस्ट में। अभी आपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो सुना होगा कि अगर कोई बैंक से आपने लोन लिया है, अगर आप 90 डेज से ज़्यादा अगर उस लोन का रिपेमेंट नहीं करवाते हो तो आपका आपको जो बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है वो बैंक का एसेट कहलाया जाता है,
और आप वो उसका लोन का रीपेमेंट टाइम टू टाइम नहीं करवा रहे हो, और आपका 90 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है लोन का रीपेमेंट करने से, राइट? तो आपको दिया हुआ जो एसेट है बैंक के द्वारा वो कैसा हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA, इसको बोलते हैं NPA। लेकिन यहाँ पे कौन से एसेट की बात की है? स्टैंडर्ड एसेट की बात की है। स्टैंडर्ड एसेट मतलब बैंक ने आपको जो लोन दिया है आप उसका रेगुलर पेमेंट कर रहे हो, तो बैंक के लिए वो एसेट कैसा है? स्टैंडर्ड एसेट। तो RBI ने बोला है कि भाई भले आपका ये जो एसेट है स्टैंडर्ड एसेट है, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट में भी प्रोविजनिंग करनी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एसेट कभी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है, राइट? तो आपको उसके अगेंस्ट में भी प्रोविजनिंग करनी है। और कैसी NBFC को ऐसा बोला है? NBFC अपर लेयर को, राइट? कि कितनी प्रोविजनिंग करनी है? तो 0.25% से 2% आपका जितना भी स्टैंडर्ड एसेट्स है, फॉर एग्जांपल आपका स्टैंडर्ड एसेट 100 करोड़ का है, तो उसका 0.25% से 2% आपको उसका प्रोविजनिंग करना है। कौन सी NBFC को? NBFC अपर लेवल की, राइट? तो ये आपको ये हेडलाइन पता चल गई होगी, और ये न्यूज़ के अंदर रिसेंट न्यूज़ तो इतनी है कि RBI ने NBFC अपर लेयर को कितना प्रोविजनिंग करने को बोला है? 0.25% से 2% ऑफ द स्टैंडर्ड एसेट्स। ओके, समझ में आया? ओके, अभी 0.25% प्रोविजनिंग कब करनी है? अगर वो NBFC कोई किसी को होम लोन प्रोवाइड करे, कोई इंडिविजुअल पर्सन को होम लोन प्रोवाइड करे, और कोई स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज को लोन प्रोवाइड करे, तो उसके लोन के अगेंस्ट में अगर उसका लोन स्टैंडर्ड एसेट है, तो उसके अगेंस्ट में कितना प्रोविजनिंग करना है? 0.25%, राइट? अगर कोई NBFC हाउसिंग लोन तो प्रोवाइड करे, लेकिन टीजर रेट के ऊपर, जो अफोर्डेबल हाउसिंग रेट के ऊपर, जो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई होम लोन प्रोवाइड करे कोई NBFC कोई पर्सन को, और या तो फिर वो रेसिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर, कॉमर्शियल रियल एस्टेट और रेसिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर के अंदर पैसा दे। अब ये कौन सा सेक्टर होता है कि रेसिडेंशियल हाउसिंग मतलब जो जहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह बनते हैं, राइट? लेकिन कॉमर्शियल रियल एस्टेट और रेसिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक फ्लैट है, कोई एक स्कीम है, उसके आगे थोड़ी सी दुकान शॉप भी होती है, एक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट भी होता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर कोई NBFC ऐसे सेक्टर को डेवलप करने के लिए पैसा देता है, तो उसको अपनी स्टैंडर्ड असेट्स के खिलाफ उसके अगेंस्ट में कितना प्रोविजनिंग करना पड़ेगा? 0.75%, राइट? देखो, जो एडवांसेस दिए हैं कॉमर्शियल रियल एस्टेट और रेसिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर के अंदर, तो उस एडवांसेस के अगेंस्ट भले वो स्टैंडर्ड एसेट्स है, तो कितना प्रोविजनिंग करना पड़ेगा? 0.75%। और जो होम लोन दिए है टीजर रेट के ऊपर, उसके अगेंस्ट में कितना प्रोविजनिंग करना पड़ेगा? 2%। और 1 साल के बाद फिर ये प्रोविजनिंग कम होके कितना हो जाएगा? 0.40%, राइट? ओके, फिर अगर जो कोई एडवांसेस जस्ट खाली रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर दिए हैं, राइट, तो उसके अगेंस्ट में कितना प्रोविजनिंग करना पड़ेगा? 1%, राइट? देखो, यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दिया है, तो मतलब कोई भी पर्सन आके यहाँ पे लोन ले सकता है, राइट? तो उसको मतलब जो एलिजिबल पर्सन नहीं है, जिसकी इनकम कम है, वो भी यहाँ पे लोन ले लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, तो वो रीपेमेंट भी कम कर पाएगा, तो इसकी रिस्क ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2% प्रोविजनिंग करनी है। यहाँ पे कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर रिस्क ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1% प्रोविजनिंग करनी है, राइट? ओके, फिर ऑल अदर लोन्स एंड एडवांसेस विच इज़ नॉट इंक्लूडेड अबो, कि जो यहाँ पे ऊपर ये जो कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है, और जो लोन दी जाती है मीडियम एंटरप्राइज को, तो उसके अगेंस्ट में कितनी प्रोविजनिंग करनी है? 0.40%, राइट? तो आई थिंक आपको ये सभी कैटेगरी को कितनी कितनी प्रोविजनिंग करनी है, ओवरऑल 0.25% से 2% अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एसेट्स बाय द NBFC अपर लेयर, ये प्रोविजनिंग करनी है। तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स के अभी रिसेंटली डॉक्टर मनसुख मांडवीय, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने अभी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया है, राइट? और ये कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है। तो अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल के अंदर चर्चा करें, तो जो हमारे डॉक्टर मनसुख मांडवीय है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने ये जो रिपोर्ट है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, उसके अलावा ईट राइट चैलेंज फॉर द सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट्स एंड ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज फॉर द 2021-22, ये तीन रिपोर्ट्स वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के ओकेशन के ऊपर लॉन्च की है। और ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या रखा गया था? सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफर फूड बेटर हेल्थ, उसका थीम रखा गया था, राइट?
तो ये तीन रिपोर्ट्स एक्चुअली लॉन्च किए गए हमारे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। तो इस रिपोर्ट्स के बारे में हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में, ये फोर्थ एडिशन था। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन सी संस्था लॉन्च करती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन सी संस्था लॉन्च करती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर कौन सी स्टेट के द्वारा फूड की सेफ्टी के लिए कैसी पॉलिसीज बनाई गई है, उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो फूड सर्व किया जाता है जो सिटीज़न को, वो कितना सेफ है खाने के योग्य है कि नहीं, ये सभी बातों को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, राइट? ओके, तो अगर हम ये फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में बात करें तो सबसे टॉप किसने किया, तो यहाँ पे तीन कैटेगरीज के अंदर स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, राइट? तो लार्जर स्टेट्स के अंदर किसने टॉप किया है? तमिलनाडु ने, राइट? और लार्जेस्ट स्टेट के अंदर फर्स्ट नंबर तमिलनाडु है, सेकंड नंबर है गुजरात और थर्ड नंबर महाराष्ट्र। अगर मैं स्मॉलर स्टेट्स की बात करूं तो गोवा ने टॉप किया है, उसके बाद मणिपुर और सिक्किम है। और अगर मैं यूनियन टेरिटरीज़ की बात करूं, सबसे टॉप पे कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड नंबर पे दिल्ली एंड चंडीगढ़ सिक्योर द थर्ड रैंक, राइट? तो आपको यहाँ पे फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे तीन अलग अलग कैटेगरी के अंदर किसने टॉप किया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। लार्जेस्ट स्टेट्स के अंदर किसने टॉप किया है, स्मॉलर स्टेट्स के अंदर किसने टॉप किया है और यूनियन टेरिटरीज के अंदर किसने टॉप किया है। और स्टेट्स फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन लॉन्च करती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट? और ये फोर्थ एडिशन था। तो ये पेज के ऊपर से आपको इतना याद रहेगा। ओके, चलो यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म के अंदर तीनों तीन कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और लास्ट नंबर पे कौन है। फॉर एग्जांपल लार्जर स्टेट्स के अंदर लास्ट नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश। टोटल 17 लार्जर स्टेट्स को कंसिडर किया गया है, उसमें लास्ट नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश। स्मॉलर स्टेट्स के अंदर लास्ट नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। टोटल 8 स्मॉलर स्टेट्स के बारे में बात की गई है और उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर पर गोवा, मणिपुर और सिक्किम है और लास्ट नंबर पर मतलब 8वें नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश, राइट? ओके, तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर कितने लार्जर स्टेट्स की बात की है? 17, और कितने स्मॉलर स्टेट्स की बात करी है? तो 8, राइट? ओके, चलो इसके अलावा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अलावा ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के ऊपर हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दो और अवार्ड्स अनाउंस किए हैं, राइट? तो सेकेंड अवार्ड है ईट राइट चैलेंज फॉर द सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट। ये जो हमने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर स्टेट्स को रैंकिंग दिया गया था, स्टेट्स को जो टॉप स्टेट्स हैं उनको अवार्ड दिया गया था, और ये ईट राइट चैलेंज फॉर द सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा पॉलिसी डिजाइन किया है फूड सेफ्टी के लिए, उन सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। तो ईट राइट चैलेंज फॉर द सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट 2021-22 किसने जीता है? तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है इंदौर एंड वाराणसी, जो इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, राइट? और सेकंड नंबर पे भोपाल, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। थर्ड नंबर पे वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो गुजरात से बिलोंग करता है। और थर्ड नंबर पे उज्जैन भी है, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, राइट? तो ईट राइट सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट 2021-22 को कौन सी तीन सिटीज़ ने जीता है? फर्स्ट नंबर पे इंदौर वाराणसी, सेकंड नंबर पे भोपाल, थर्ड नंबर पे वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और उज्जैन, राइट? तो ये सिटी वाइज आपको रैंकिंग याद रखनी पड़ेगी, राइट? उसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है, तीसरा अवार्ड भी है, ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज 2021-22। जो लास्ट जो अवार्ड था वो ईट राइट चैलेंज फॉर द सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट 2021-22 था। ये कौन सा है? ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज 2021-22। यहाँ पे आपको पता होगा कि फ्रेंड्स की स्मार्ट सिटी मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्मार्ट सिटी मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसके अंडर में इंडिया टोटल स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटीज बनाई है। कितनी? 100 के स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर में टोटल इंडिया ने टोटल कितनी स्मार्ट सिटी बनाई है? 100 स्मार्ट सिटी बनाई है। तो यहाँ पे ये 100 स्मार्ट सिटीज़ को रैंकिंग दिया जाता है कि कौन सी स्मार्ट सिटी ने अच्छी पॉलिसी डिज़ाइन करके उसको इम्प्लीमेंट किया है फूड सेफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे जो ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज 2021-22 के अंदर स्मार्ट सिटीज़ को रैंकिंग और अवार्ड्स दिए जाते हैं, राइट? जो उसके पहले वाली जो कैटेगरी थी ईट राइट चैलेंज के अंदर सभी सिटीज़ को कंसिडर किया गया था, लेकिन ये ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज के अंदर जस्ट स्मार्ट सिटीज़ को कंसिडर किया गया। टोटल 100 स्मार्ट सिटीज़ में से टोटल 11 सिटीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है जिन्होंने अच्छी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन किया था। कौन सी? तो राजकोट,
सेकंड नंबर पे रूरकेला, थर्ड नंबर पे सागर, फोर्थ नंबर पे सूरत और फिफ्थ नंबर पे तुमाकुरु जो कर्नाटका से बिलोंग करती है। ये टॉप फाइव स्मार्ट सिटीज़ को जिसने इट स्मार्ट सिटीज़ के अंदर जो इट स्मार्ट सिटी चैलेंज के अंदर टॉप किया है, जो ये जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, इट्स ईट राइट चैलेंज और इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज, ये तीनों तीन चैलेंज को के अंदर जो इंडेक्स जो रैंकिंग लॉन्च करने वाली संस्था कौन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। अगर मैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात करूँ तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 2018-19 से ही लॉन्च किया जाता है, राइट। इट एम्स टू क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एंड पॉजिटिव चेंज इन द फूड सेफ्टी इकोसिस्टम, राइट, कि वो सभी स्टेट्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो, सभी स्टेट्स के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि फूड सेफ्टी इकोसिस्टम के अंदर, तो इसका एम ये है, राइट, ओके। और उसमें ये इंडेक्स को डिज़ाइन करने के टाइम कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर किया जाता है, तो फर्स्ट नंबर पे कि कौन से स्टेट्स के अंदर, कौन सी सिटीज़ के अंदर ह्यूमन रिसोर्सिस एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा का यूज़ किया जाता है, कंप्लाइंस जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उसको, वो रूल्स को कहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्लाइंस उसका हो रहा है, पर्टिकुलर स्टेट्स और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फूड टेस्टिंग कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलेंस कैसा है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर कैसा काम किया जाता है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट कितना है, तो ये सभी फैक्टर को ध्यान में रख के ये इंडेक्स बनाया जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, राइट, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक क्रूड मिशन टू कंप्लीट द स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन, राइट। अभी इस न्यूज़ के अंदर हम डिटेल के अंदर चर्चा करें तो कि अभी रिसेंटली चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक क्रूड मिशन, क्रूड मिशन का मतलब कि एक मिशन, एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जो अभी स्पेस में जा रहा है और उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं, टोटल 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर, और इस स्पेसक्राफ्ट का मेन मिशन, इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने का मेन मिशन चाइना का क्या है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चाइनास तियांगोंग स्पेस स्टेशन। अभी ये न्यूज़ के अंदर चाइना ने क्रूड मिशन कौन से स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों लॉन्च किया वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है, उस स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन, राइट। सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि अगर फ्रेंड्स अगर आपको पता हो कि अभी जो स्पेस स्टेशन वर्किंग है उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये स्पेस स्टेशन अभी स्पेस के अंदर वर्किंग है। फ्रेंड्स इस स्पेस स्टेशन को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जब ये बनाया गया उससे पहले जब एस्ट्रोनॉट्स कोई भी रिसर्च करने के लिए स्पेस में जाते थे तो वो मैक्सिमम 3 या 4 या मैक्सिमम 5 दिन के अंदर उनको वापस आना पड़ता था, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन उनके लिए, लाइफ के योग्य फेवरेबल जो कंडीशन होनी चाहिए वो नहीं थी, राइट। तो इनके लिए उनको 4 या 5 दिन के अंदर भले उनका रिसर्च कंप्लीट ना हुआ हो फिर भी उनको वापस आना पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए दुनिया के 5 कंट्री कौन कौन सी, रशिया, USA, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन, ये 5 कंट्री के द्वारा एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी रिसर्च करने के लिए जो भी एक लेबोरेटरी के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सभी फैसिलिटीज़ ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर है। वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स आज तक मैक्सिमम 6-6 महीने तक भी रुके हैं, तो वो लोग वहाँ पे बैठ के जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो काम करते हैं वही काम वो स्पेस स्टेशन के अंदर वो कर सके, इसके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था ये 5 कंट्री के द्वारा, रशिया, USA, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, राइट। लेकिन 2011 के अंदर जो नासा है, जो USA की स्पेस एजेंसी है, उसने बैन कर दिया था कि चाइना के एस्ट्रोनॉट्स ये स्पेस स्टेशन का यूज़ नहीं करेंगे। और उसी दिन चाइना ने तय कर लिया
कि वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, और आज उसी का नतीजा है कि वो 2023 के अंदर एक अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने के लिए जा रहा है, और वो स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन, राइट। तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो अर्थ सरफेस से 340 से 350 किलोमीटर दूर है, राइट, वो उसकी लाइफ स्पन कितना होगा, जो चाइना जो लॉन्च करने के लिए जा रहा है वो 10 साल का उसका लाइफ स्पन होगा, 10 साल के अंदर वो रिटायर हो जाएगा। यह हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी 2024 या फिर 2025 के अंदर वो रिटायर हो जाने वाला है, और ये चाइना का स्पेस स्टेशन जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन की लाइफ स्पन कितनी है, 10 साल की, राइट। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है कि तियांगोंग स्पेस स्टेशन कौन सी कंट्री के द्वारा बनाया जा रहा है, चाइना के द्वारा, जो एकमात्र कंपनी जो अकेली स्पेस स्टेशन बना रही है, लेकिन क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अभी घूम रहा है अर्थ सरफेस के आसपास बराबर, वो 5 कंट्री ने साथ में मिलकर बनाया है, ओके, राइट। तो अभी ये स्पेस स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन है उसको पूरा करने के लिए चाइना के द्वारा एक क्रूड मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं और उसमें से एक वुमेन एस्ट्रोनॉट भी है, और वो पहली चाइनीज़ वुमेन है जो स्पेस के अंदर जा रही है, और उसका नाम क्या है, लियू यंग। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अभी जो चाइना ने क्रूड मिशन लॉन्च किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द तियांगोंग स्पेस स्टेशन, उसमें 3 पर्सन गए और उसमें से एक वुमेन एस्ट्रोनॉट थी लियू यंग, जो फर्स्ट चाइनीज वुमेन इन द स्पेस, राइट, ओके। और कौन से स्पेसक्राफ्ट से वो लोग गए हैं, सिंजू 14 स्पेसक्राफ्ट से वो लोग गए, सिंजू 14 स्पेसक्राफ्ट से, राइट, ओके, ठीक है। अगर हम तियांगोंग स्पेस स्टेशन की अगर हम बात करें तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन के अंदर मेन 3 मॉड्यूल्स है, राइट, कि उसमें सबसे बड़ा मॉड्यूल है तियान है, तियान है उसमें सबसे बड़ा मॉड्यूल है, तियान है। सेकेंड मॉड्यूल है उसका वेंशियन लैब मॉड्यूल, वेंशियन लैब मॉड्यूल जो जुलाई 2022 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा उसका कंस्ट्रक्शन। और थर्ड मॉड्यूल है मैंगशियन लैब मॉड्यूल जो जिसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा अक्टूबर 2022 के अंदर। तो ये दोनों मॉड्यूल जो वेंशियन और मैंगशियन, ये दोनों मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है, राइट। तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन के 3 मेन मॉड्यूल का नाम क्या है, तियान है, वेंशियन और मैंगशियन, राइट, ओके। जैसे मैंने बताया कि वो जो अर्थ सरफेस है उससे 340 टू 450 किलोमीटर की दूरी के ऊपर होगा, राइट, और उसकी लाइफ स्पन कितनी होगी, 10 साल की, ओके। तो समझ में आया ये न्यूज़, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली राफेल नडाल जो एक टेनिस प्रोफेशनल प्लेयर है, उन्होंने अभी 22nd ग्रैंड स्लैम जीता है, उस ग्रैंड स्लैम का नाम क्या है, रोलैंड गैरोस 2022, ओके। अगर हम इस न्यूज़ के अंदर डिटेल के अंदर चर्चा करें तो कि अभी रिसेंटली राफेल नडाल, जिनको रफा भी बोला जाता है, जो लेजेंडरी स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेनिश से, उन्होंने अपने कैरियर का 22nd ग्रैंड स्लैम जीता है मेन सिंगल्स कैटेगरी के अंदर, और उस ग्रैंड स्लैम का नाम क्या है, रोलैंड गैरोस, उसका दूसरा नाम है फ्रेंच ओपन 2022, जो कहाँ पे हुआ था, पेरिस फ्रांस के अंदर। देखो फ्रेंड्स, अगर हम टेनिस स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर टोटल 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं पूरे साल के अंदर। सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड नंबर पे होता है यूएस ओपन, थर्ड नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन, और फोर्थ नंबर पे होता है विंबलडन, राइट, ये फोर्थ है, ठीक है। तो टोटल एक साल के अंदर 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस के अंदर, जैसे क्रिकेट के अंदर 4 साल के अंदर एक वर्ल्ड कप होता है ना, उसी तरह टेनिस के अंदर एक साल के अंदर 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, राइट। तो ये जो न्यूज़ है कि वो फ्रेंच ओपन के रिजल्ट के बारे में है, कि उसका क्या रिजल्ट आया उसके बारे में है। तो फ्रेंच ओपन जो अभी टूर्नामेंट हुआ पेरिस फ्रांस के अंदर, उसका दूसरा नाम है रोलैंड गैरोस, रोलैंड गैरोस, राइट। तो उसको किसने जीता, राफेल नडाल ने। टोटल उसने अपनी कारकिर्दी के अंदर 22 ग्रैंड स्लैम जीते, ऐसे जो एक साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ऐसे टोटल उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम्स अपनी करियर के अंदर जीते हैं, जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम पे है, 22। सेकंड नंबर पे कौन है,
रोजर फेडरर, जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और सेकेंड नंबर पे ही नोवाक जोकोविक जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। लेकिन सबसे हाईएस्ट किसने जीते हैं? राफेल नडाल, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अपने करियर के अंदर। ओके, ये तो हुई उनकी करियर की बात। अभी मैं फ्रेंच ओपन और राफेल नडाल की अगर कोई लिंक की अगर हम बात करूँ, तो टोटल उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें से 14 ग्रैंड स्लैम तो वो फ्रेंच ओपन का जीत चुके हैं। फ्रेंच ओपन भी एक ग्रैंड स्लैम है, 4 ग्रैंड स्लैम में से। तो टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जो राफेल नडाल ने जीते हैं, उसमें से 14 बार तो उन्होंने फ्रेंच ओपन ही जीता है। और फ्रेंच ओपन कौन से कोर्ट के ऊपर होता है? क्ले कोर्ट के ऊपर होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट के ऊपर होता है, इसलिए राफेल नडाल को किंग ऑफ द क्ले कोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जो उन्होंने जीते हैं, उसमें से 14 तो फ्रेंच ओपन जीते हैं। ये उनका 14th फ्रेंच ओपन टाइटल था। और इतना ही नहीं कि फ्रेंच ओपन टाइटल 36 एज के ऊपर जीतने वाले वो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बने, राइट? उन्होंने सबसे पहली बार फ्रेंच ओपन कब जीता था? 2005 के अंदर। सबसे पहली बार फ्रेंच ओपन कब जीता था? 2005 के अंदर। ओके, राफेल नडाल ने फाइनल के अंदर कौन से प्लेयर को हराया? कैस्पर रूड। कैस्पर रूड जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, उनको राफेल नडाल ने फाइनल के अंदर हराया था। देखो, राफेल नडाल बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है। फ्रेंच ओपन किसने जीता वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन फ्रेंच ओपन के अंदर राफेल नडाल ने किसको हराया? कैस्पर रूड जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, राइट? ओके, राफेल नडाल ने 2022 के अंदर, ये उनका सेकेंड ग्रैंड स्लैम विनिंग इवेंट था। सबसे पहले 2022 के अंदर मैंने जैसे बात की, टोटल एक साल के अंदर 4 टूर्नामेंट होते हैं, तो उसमें 2022 के अंदर जो पहली टूर्नामेंट हुई थी ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो पहला ग्रैंड स्लैम था 2022 का, वो भी राफेल नडाल जीता है। और ये फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल जीता है, राइट? ओके, और अगर मैं ATP रैंकिंग की बात करूँ, कि जो एसोसिएशन ऑफ द टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा जो रैंकिंग्स प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें राफेल नडाल का रैंक वर्ल्ड लेवल पे नंबर कौन सा है? 4 वर्ल्ड लेवल पे 4th रैंक के ऊपर राफेल नडाल है। तो वर्ल्ड नंबर 1 कौन है? नोवाक जोकोविक, जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीत के रखे हैं। सेकंड नंबर पे डेनिल मेडवेडेव, जो रशिया से बिलोंग करते हैं। और थर्ड नंबर पे अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो टॉप 3 और राफेल नडाल 4th नंबर पे है। ओके, अगर मैं वुमेन सिंगल्स कैटेगरी की अगर बात करूँ, कि वुमेन सिंगल्स के अंदर कौन जीता, तो वुमेन सिंगल्स के अंदर जीते हैं इगा स्वीटेक, जो पोलैंड से बिलोंग करती है, जो फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी है। उन्होंने फाइनल के अंदर किसको हराया? कोको गॉफ, जो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? US से, राइट? जो जिनका वर्ल्ड नंबर पे कौन सा रैंक है? 13th, राइट? तो वुमेन सिंगल की टूर्नामेंट किसने जीती? इगा स्वीटेक, जो पोलैंड से बिलोंग करती है, जो वर्ल्ड नंबर 1 है, जिन्होंने कोको गॉफ जो US से बिलोंग करती है, उनको हराया है, राइट? ये स्वीटेक की, जो इगा स्वीटेक जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, ये उनकी 35th कंसिक्यूटिव मैच विनिंग इवेंट थी, जो एक रिकॉर्ड है अभी तक का। वीनस विलियम जो US से बिलोंग करती है, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था कि एक ही बार में एक साथ 35 मैच जीतना है। तो उनकी रिकॉर्ड की अभी बराबरी की है इगा स्वीटेक ने, जो अभी 35 मैच से अनडिफिटेड है। ओके, और जो प्राइज मनी मिलता है मेंस और वुमेन सिंगल कैटेगरी को, वो कितना होता है फ्रेंच ओपन के अंदर? 2.2 मिलियन यूरोस। जो जीतता है फ्रेंच ओपन, उनको कितना प्राइज मनी मिलता है? 2.2 मिलियन यूरोस, राइट? ओके, तो इतनी चीज़ें आपको फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के बारे में समझनी है, राइट? राफेल नडाल का ये 14th ग्रैंड स्लैम था, 14th फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम था, और टोटल उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर मेन सिंगल्स के अंदर कौन जीता? फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, कैस्पर रूड को उन्होंने हराया। वुमेन सिंगल्स के अंदर कौन जीता? इगा स्वीटेक, कोको गॉफ को उन्होंने हराया। ये मेंस डबल्स, जहाँ पे दो मेन होते हैं, सामने भी दो मेन होते हैं, तो 4 लोग टोटल खेलते हैं, उसमें कौन जीता, उसमें कौन रनर अप बना? वुमेन्स डबल्स के अंदर कौन जीता, कौन रनर अप बना? और मिक्स डबल्स, जहाँ पे एक मेन एक वुमेन और एक मेन एक वुमेन के सामने खेलते हैं, तो उनमें कौन जीता और कौन रनर अप बना, वो भी मैंने लिखा है, राइट? तो ये 3 आप जस्ट एक बार पढ़ लेना, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ओके,
तो रोलेंड गैरोस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूँ तो 1891 से ये टूर्नामेंट हर साल होती है। इसका 126 एडिशन था और उसके मेन स्पॉन्सर कौन है? BNP परिवास। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स के RBI के द्वारा अभी मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च की गई है। वो 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर की सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है, राइट? आपको पता ही है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लॉन्च करती है और वो हर 2 महीने बैठती है और मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करती है। यही मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया के अंदर मनी को सर्कुलेट करने में, मनी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, राइट? तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्वेश्चन बना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर फ्रेंड्स 6 मेंबर होते हैं। उनके मेंबर कौन कौन होते हैं? तो डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर अशीमा गोयल, प्रोफेसर जयंत वर्मा, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर माइकल पात्रा। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड कौन करता है? जो RBI के गवर्नर होते हैं। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। देखो फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। उसमें से 3 RBI से बिलोंग करते हैं और 3 RBI से बिलोंग नहीं करते हैं। तो जो जो मेंबर्स RBI से बिलोंग करते हैं उनको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर भी बोला जाता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर, राइट? अभी RBI से बिलोंग करते हैं 3 मेंबर कौन कौन से हैं? तो RBI के गवर्नर जो डॉक्टर शक्तिकांत दास है वो, सेकेंड है RBI के जो डेप्यूटी गवर्नर कौन है? माइकल पात्रा। RBI के डेप्यूटी गवर्नर टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर है, उसमें से कौन से मेंबर वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी मेंबर है? डॉक्टर माइकल पात्रा और डॉक्टर राजीव रंजन, वो भी RBI के मेंबर है। तो ये 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर अशीमा गोयल और प्रोफेसर जयंत वर्मा वो RBI से बिलोंग नहीं करते हैं। डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर अशीमा गोयल और प्रोफेसर जयंत वर्मा वो RBI से बिलोंग नहीं करते हैं, राइट? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, राइट? तो सबसे पहले तो हमने बात की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, वो हर 2 महीने बैठती है और मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन करती है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लॉन्च की जाती है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ के रेट डिसाइड किए जाते हैं कि जिसकी मदद से मनी को कंट्रोल किया जाए, मनी को सर्कुलेट, तो कौन कौन से रेट्स डिसाइड किए जाते हैं? पॉलिसी रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो 6 रेट्स की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हर 2 मिनट डिसाइड करती है टू कंट्रोल द मनी, वो रेट्स क्या होते हैं? वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से आपको, जब मैंने अप्रैल महीने की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी, राइट, फर्स्ट ये सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है, जैस जो फाइनेंशियल 2022-23 की जो पहली पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी, तब उन्होंने जो रेट्स डिसाइड किए थे तब मैंने ये सभी टर्म्स आपको बहुत ही डिटेल के अंदर समझाए थे, राइट? फिर भी मैं एक बार ऊपर ऊपर से रेपो रेट क्या होता है फ्रेंड्स, कि फॉर एग्जाम्पल 2 एंटिटीज़ हैं, एक है बैंक और एक है RBI, राइट? अभी रेपो रेट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बैंक को RBI के पास से लोन चाहिए, तो इसके बदले में बैंक है ना RBI के पास कुछ चीज़ें गिरवे रखता है, राइट? अभी हम एकदम क्विकली इजी टू अंडरस्टैंड वो मैनर के अंदर मैं ये सभी रेट्स आपको समझा रहा हूँ, राइट? कि बैंक को RBI के पास से लोन चाहिए, उसको RBI के पास से कैश चाहिए, उसके बदले में वो RBI के पास कुछ चीज़ें गिरवे रखता है। क्या गिरवे रखता है? तो कुछ पेपर्स कि जो बैंक उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन बैंक को अभी कैश की रिक्वायरमेंट है, तो वो पेपर्स उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट के पेपर्स वो RBI के पास गिरवे रख के वो RBI के पास से कैश एज अ लोन लेगा, राइट? तो RBI जो रेट के ऊपर बैंक को लोन देता है तो उस रेट को क्या बोलते हैं? पॉलिसी रेपो रेट, राइट? रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? उल्टा, कि जब बैंक के पास सरप्लस मनी होता है तो वो अपना जो पैसा है वो RBI के अंदर डिपॉजिट करवाती है, तो RBI उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देता है, तो RBI जो रेट के ऊपर उसको इंटरेस्ट देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट भी वही है कि जब भी बैंक के पास कोई सरप्लस मनी हो तो वो RBI के पास अपना पैसा डिपॉजिट करवाएगा, उसके बदले में RBI उनको इंटरेस्ट देती है, राइट? लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में डिफरेंस क्या है? ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है ना, वो जस्ट शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए है, जस्ट शेड्यूल
कॉमर्शियल बैंक के लिए है, राइट। कि आरबीआई जो रेट के ऊपर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देती है जब वो अपने सरप्लस मनी को आरबीआई के अंदर जमा करवाती है, तो उस रेट को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, राइट। लेकिन रिवर्स रेपो रेट जो नॉन शेड्यूल, जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर जो लिस्टेड नहीं है, अगर वो बैंक अपना पैसा आरबीआई के अंदर जमा करवाती है तो आरबीआई उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से रेट के ऊपर देती है, रिवर्स रेपो रेट। और वो अनचेंज किया है, मतलब वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया है। वो कितना है, 3.35%, जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी वो 3.35% ही है। लेकिन बाकी के सभी रेट, रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, वो सभी रेट्स बाकी के बढ़ाए गए हैं, लेकिन रिवर्स रेपो रेट नहीं बढ़ाया गया, वो एज इट इज़ रखा गया है, ओके। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स, कि फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर आज आया डिपॉजिट 100 करोड़ रुपया, डिपॉजिट 100 करोड़ आया, लेकिन विड्रॉल करने के लिए लोग 110 करोड़ के अमाउंट के विड्रॉल्स आए, राइट। तो ये 10 करोड़ का बैंक के पास मतलब घाटा हुआ, 10 करोड़ का घाटा तो नहीं बोल सकते, 10 करोड़ का मतलब शॉर्टेज हुआ। तो बैंक को एक दिन के लिए 10 करोड़ का लोन कौन प्रोवाइड करेगा, आरबीआई एक दिन के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। और इसके लिए जो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल करता है बैंक के पास से, वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, राइट, ओके। बैंक रेट थोड़ा सा डिटेल के अंदर हमको समझना पड़ेगा, फिर कोई वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से बैंक रेट समझाऊंगा, राइट, ठीक है। और अगर आपको समझना है बैंक रेट, तो आप समझ सकते हो जो मैंने अप्रैल के करंट अफेयर के वीडियो जो किए थे उसके अंदर मैंने बैंक रेट को भी बहुत ही अच्छे से समझाया था, राइट। फिर कैश रिजर्व रेशियो की अगर मैं बात करूँ, कैश रिजर्व रेशियो किसको बोलता है फ्रेंड्स, तो बैंक को अपनी जो डे टू डे बिजनेस होता है, फॉर एग्जांपल डे टू डे बिजनेस के अंदर उसका 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से उसको 4.50% कैश रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास, राइट, ओके। कैश को रिजर्व रखना पड़ता है, तो कैश रिजर्व रेशियो कितना रखा, 4.50%। और स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करूँ, SLR, ये भी थोड़ा डिटेल के अंदर मुझे आपको डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन आप अभी उसको याद रख लो, कितना है, 18%। तो बाकी के सभी रेट्स के अंदर RBI के द्वारा इंक्रीमेंट किया गया है, बिकॉज कि फॉर एग्जांपल रेपो रेट RBI ने बढ़ाया, मतलब रेपो रेट RBI ने बढ़ाया मतलब वो जो बैंक उसके पास से लोन लेगी उसके लिए उस बैंक को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट, मतलब लोन महंगी हो गई बैंक के लिए। तो क्या बैंक RBI के पास से लोन लेगा ज़्यादा, नहीं। तो बैंक के पास कम मनी होगा, तो क्या बैंक कस्टमर को पैसा देगा, तो बैंक क्या करेगा, वो अब जो कस्टमर को जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देता था पहले, उससे ज़्यादा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट के ऊपर वो लोन देगा कस्टमर को। तो मतलब कस्टमर के लिए लोन महंगी हो गई, तो क्या कस्टमर ज़्यादा लोन लेंगे, कस्टमर ज़्यादा लोन नहीं लेंगे तो उनके पास में क्या पैसा होगा ज़्यादा। तो अल्टीमेटली ये जो रेट्स है उनको बढ़ा के RBI क्या करना चाहती है, मार्केट के अंदर पैसे को कम सर्कुलेट करना चाहती है। जो कोविड के दौरान जो सस्ते दर के ऊपर लोगों को लोन प्रोवाइड किए गए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है कि लोगों के पास इन हैंड पैसा बहुत हो गया है, तो उसको अभी RBI वापस कर रही है, राइट, ओके। और आप देख रहे होंगे कि FD RD जो इन्वेस्ट करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सभी के रेट भी अल्टीमेटली बढ़ रहे हैं, क्यों, कि RBI ऐसा चाहती है कि सब लोग इन्वेस्ट करें, लोगों के हाथ के अंदर पैसा ना हो, ओके। तो ये RBI का स्टांस है, राइट, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ओके। और इसी मॉनेटरी पॉलिसी की जो लॉन्चिंग इवेंट के दौरान RBI ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं। अगर हम इस इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, तो RBI ने अलाउ किए हैं कि जो फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अभी डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस कर सकता है। अब सबसे पहले तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के अंदर क्या आता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के अंदर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लाइफ सर्टिफिकेट रिन्यूअल, तो ये जो सभी जो सर्विस है जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो वो ये अभी ये सभी सर्विस है ना डोर स्टेप प्रोवाइड की जाएगी। वैसे हर कॉमर्शियल बैंक ये सर्विस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस
प्रोवाइड करती है, लेकिन अभी आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और उसमें भी जो फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अभी डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकती है कस्टमर्स को। अभी डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के अंदर कौन कौन सी सर्विस आती है, कैश डिपॉजिट करवाना, कैश विड्रॉल करवाना, केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, लाइफ सर्टिफिकेट मतलब जो पेंशनर्स होते हैं उनको हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना पड़ता है, राइट, कि वो अभी हयात है उसके बारे में उनको मतलब एक प्रूफ देना पड़ता है। तो ये भी अभी घर बैठे बैठे हो जाएगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक तो ये डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई ने परमिशन दे दी है कि वो भी अभी डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो अर्बन और सेमी अर्बन एरिया के अंदर काम करती हैं और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द प्रोविजन ऑफ द आइदर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर में जो काम करती है। देखो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरिया के अंदर होती है और वो कौन से एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड होती है, तो अगर वो मल्टी स्टेट, अगर उसकी ब्रांच अलग अलग स्टेट के अंदर है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर में वो रजिस्टर्ड होगी, और अगर वो कोई पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर ही काम करती है तो वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर में काम करती होगी, राइट। तो वो सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज है उनको आरबीआई ने बोल दिया कि आप डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये पहला इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ये मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान, राइट। सेकेंड, आरबीआई ने अभी बोला है कि जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड की जाती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, वो हाउसिंग लोन की लिमिट जो अभी तक जो लिमिट थी कि एक पर्टिकुलर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एक पर्टिकुलर रूरल कोऑपरेटिव बैंक एक इंडिविजुअल पर्सन को कितना होम लोन प्रोवाइड कर सकती है मैक्सिमम, तो उसमें आरबीआई के द्वारा मिनिमम 100% का इंक्रीमेंट किया गया है। क्योंकि अभी आप सबको पता है कि जो घर के प्राइस है बहुत ही हाई हो चुके हैं, तो लोगों को कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से एक ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके, होम लोन मिल सके, इसलिए आरबीआई ने ये स्टेप लिया है। आरबीआई ने जो टायर वन के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स काम करती है वो मैक्सिमम एक इंडिविजुअल पर्सन को कितना होम लोन प्रोवाइड कर सकता है, 60 लाख, जो पहले कितना था 30 लाख। जो टायर टू के अंदर, जो टायर टू की जो सिटीज़ है उसके अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स काम कर रही है वो मैक्सिमम कोई इंडिविजुअल पर्सन को कितना होम लोन प्रोवाइड कर सकता है, 140 लाख, जो पहले कितना था 70 लाख। जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है जिसका एसेट साइज मतलब जिसने अभी तक 100 करोड़ से कम लोन दे के रखी है सबको, तो वो कितना एक इंडिविजुअल पर्सन को होम लोन प्रोवाइड कर सकती है, 50 लाख, जो पहले कितना था 20 लाख। एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक जिसका असेट साइज 100 करोड़ से ज़्यादा है वो एक इंडिविजुअल पर्सन को कितना मैक्सिमम होम लोन प्रोवाइड कर सकती है, 75 लाख, जो पहले कितनी थी 30 लाख। तो ये लिमिट्स आपको याद रखनी पड़ेगी जो आरबीआई ने अभी एक्सटेंड की है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए होम लोन प्रोवाइड करने के लिए। ओके, आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स से रिगार्डिंग एक और इनिशिएटिव लिया है कि अभी तक जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कौन कौन सी बैंक आती है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स आती है, राइट। तो ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अभी तक ये जो सेक्टर है CRE RH सेक्टर वो उसके अंदर लोन प्रोवाइड नहीं करवा पाती थी। अब तक रूरल कोऑपरेटिव बैंक को परमिशन नहीं थी कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है CRE RH वो सेक्टर के अंदर वो लोग लोन प्रोवाइड करें, राइट। अब ये CRE RH सेक्टर क्या है, तो CRE RH सेक्टर फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कॉमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर, कॉमर्शियल रियल एस्टेट CRE रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर। अभी एक पर्टिकुलर स्कीम है जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं और उस स्कीम के जो गेट के आसपास जो शॉप्स होती है ना, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन कि जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी है और कॉमर्शियल एरिया भी है, तो ये जो रेजिडेंशियल ये जो पूरा स्कीम है वो कौन से सेक्टर के अंदर में आता है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट और रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर के अंदर। तो अभी तक रूरल कोऑपरेटिव बैंक जिसके अंदर में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक काम करती है, वो लोग को परमिशन नहीं थी कि वो कॉमर्शियल रियल एस्टेट और रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर के अंदर लोन प्रोवाइड करे, लेकिन अभी आरबीआई ने उनको अलाउ कर दिया कि आप इन सेक्टर के अंदर लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप मैक्सिमम कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर रूरल कोऑपरेटिव बैंक इस सेक्टर के अंदर वो कितना मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करवा सकता है, तो 5% ऑफ देयर टोटल एसेट्स, मतलब उन्होंने अगर
पूरे साल के अंदर 100 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया है, तो उसमें से 5 करोड़ वो मैक्सिमम इस सेक्टर के अंदर लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, तो एक ये इनिशिएटिव लिया गया था आरबीआई के द्वारा ये मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान, राइट। और एक इनिशिएटिव ऐसा था कि आरबीआई ने इन्हेंस किया है लिमिट फॉर द ई मैंडेट्स ऑन द क्रेडिट डेबिट कार्ड्स टू ₹15,000। अभी फ्रेंड्स, ये ई मैंडेट क्या होता है? ई मैंडेट के बारे में आपने नाम सुना होगा कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एलआईसी की पॉलिसी लेके रखी है, और आपने जब ये पॉलिसी आपने ली थी तब आपने वो एलआईसी का जो एजेंट जो जो भी होता है जिसने आपकी पॉलिसी निकाली थी, और आपने उसको कहा कि भाई मेरा ये जो पॉलिसी का जो प्रीमियम है ना वो पर मंथ कटना चाहिए, और ये प्रीमियम है ना मेरे अकाउंट में से ऑटोमेटिकली कटना चाहिए। तो उस पर्सन जो आपकी पॉलिसी निकाल रहा था वो पर्सन ने आपके पास एक फॉर्म साइन करवाया होगा, और वही फॉर्म का नाम होता है ई मैंडेट फॉर्म। यहाँ पे आप ई मैंडेट करते हो कि आप प्री मैंडेट करते हो कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली इतना पैसा आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाए। तो अभी तक क्या था कि अगर आपका 5,000 से कम प्रीमियम होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ यू, बिकॉज आपने एक बार अप्रूवल दे दिया। जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे तब तक ये इमीडिएट स्टॉप नहीं होगा। लेकिन अगर आपका प्रीमियम का पर मंथ का जो प्रीमियम है वो 5,000 से ज़्यादा हुआ, फॉर एग्जांपल 6,000 हुआ, तो जब भी ये प्रीमियम कटेगा आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली, तब आपके ऊपर एक ओटीपी आएगा। जब तक आप ओटीपी का आंसर नहीं दोगे तब तक वो प्रीमियम नहीं कटेगा, राइट। तो आरबीआई ने अभी ये लिमिट बढ़ा दी है कि पहले जो 5,000 से ज़्यादा के ऊपर जो ओटीपी आता था ना, अभी कब कितने अमाउंट से ज़्यादा अगर आप प्रीमियम मतलब अगर आप कितने अमाउंट से ज़्यादा अगर आप कोई भी रिकरिंग डिपॉजिट कटवाते हो ई मैंडेट के थ्रू, तो 15,000 से ज़्यादा अगर आप कोई भी अमाउंट ई मैंडेट के थ्रू ऑटोमेटिकली कटेगा तो आपके ऊपर ओटीपी आएगा। लेकिन 15,000 तक अभी आपके अमाउंट के कटने के ऊपर ओटीपी नहीं आएगा, राइट। जो जो पहले 5,000 की लिमिट थी अभी वो कितनी कर दी गई है, 15,000। समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, तो ये इनिशिएटिव्स आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करने के लिए जो बैठी थी उन्होंने ये इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं। तो ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको ये पूरी न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज के सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।